मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट बोरोड फंड मीडियन टर्म फाइनेंस। ठीक है, टुडे योर टॉपिक तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, हमको ये देखना है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो डिबेंचर इशू कर रही थी और शेयर को इशू कर रही थी। बट एक तरीका और है कंपनी को फाइनेंस लेने का, फंड लेने का, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, कंपनी डायरेक्ट जाएगी पब्लिक के पास और कहेगी कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे पैसे दो। ठीक है, तो उसका प्रोसेस होता है, उसमें क्या करना है। देखिए, पब्लिक डिपॉजिट रिफर टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। तो ये अनसिक्योर्ड लो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट क्या होता है, इसके पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये पहले, इसके पहले था क्या, सिक्योर डिपॉजिट। सिक्योर डिपॉजिट में क्या होता है कि कंपनी को अपनी कुछ एसेट्स को क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए। ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर डिपॉजिट है। यहाँ पे कंपनी को अगर पैसे चाहिए होती है तो ये पब्लिक से डायरेक्टली ले लेते हैं और यहाँ पर कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। ठीक है, कंपनी क्या करती है पैसे लेने के लिए, वो एडवर्टीजमेंट कराती है थ्रू न्यूज़पेपर में। ठीक है, तब पब्लिक को ये पता चलता है कि किस कंपनी को फाइनेंस की नीड है। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, वहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करती है। इसके बदले में पब्लिक ने पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसके बदले में कंपनी क्या देगी पब्लिक को, उसके बदले में कंपनी देती है उनको इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी पैसा कंपनी का, पब्लिक का कंपनी के पास है वो तो है ही, उसके बदले में वो क्या देती है, उसको एक इनकम देती है जो इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में होती है। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। ठीक है, जो भी पब्लिक है, ठीक है, उसको कंपनी का मेंबर बनना होता है, तो वो क्या करता है कि जो भी एक फॉर्म कंपनी जो है निकालती है, उस फॉर्म को भरने के बाद वो क्या करता है, डिपॉजिट करवा देता है पैसे को। ठीक है, और उसके बदले में कंपनी क्या करती है, एक रिसीप्ट देती है जिससे कि ये प्रूफ होता है कि पब्लिक ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में कंपनी ये ना कह सके कि मेरे पास किसी पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक है, और ना हम इसको वापस करेंगे, ना ही इस पर कोई हम इनकम इनको देंगे। इसलिए उस टाइम कंपनी क्या करती है, जिस पब्लिक का पैसा कंपनी के पास आता है उसकी कंपनी क्या करती है, एक रिसिप्ट देती है। ठीक है, अगर ऐसा कंपनी फ्यूचर में करती है कि हम पैसे को नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो पब्लिक उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, जो कि प्रूफ होता है रिसिप्ट का। ठीक है, अब हमको देखना है फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट का फीचर्स क्या है, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक ये देखने हैं। फर्स्ट है इसका अनसिक्योर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो डिपॉजिट होता है ये अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ पे कोई भी कंपनी को गिरवी नहीं रखने पड़ती है अपनी एसेट्स वगैरह। ठीक है, तो कंपनीज मॉर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक से कंपनी जब पैसे को लेती है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई भी एसेट्स को, ठीक है, गिरवी नहीं रखती है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक फीचर्स ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अनसिक्योर्ड। ठीक है, जो ये डिपॉजिट होती है वो अनसिक्योर्ड होती है। नेक्स्ट है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो भी कंपनी को पैसे रेस्ट होते हैं फ्रॉम पब्लिक से, वो पैसे कंपनी क्या करती है, अपने
वर्क में लगाती है, उसी प्रोसेस को, उसी कैपिटल को क्या करती है, वर्क फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी ने पब्लिक से पैसे लिए, ठीक है, उससे वो मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, गुड्स को प्रोडक्शन हो रहा है और जो एम्प्लाई है उनको सैलरी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग, इस सारी चीज़ों को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल।